इस्लाम की तारीख इंतहाई दर्दनाक है। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो को इब्ने मुलजम नामी बदबख्त ने जो है वो तलवार का वार करके जो जहर में बुझी हुई थी शहीद किया है। तो ये बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले लोग थे। मौला कायनात सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के सक्के चचा जनाब अबू तालिब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। उम्र में हुजूर से 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब एलाने नबूवत का इरशाद किया तो जिन खुश नसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नमाया नाम हजरत मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का है। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ उन्हें नसीब हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे, लेकिन एक मौका पे हुजूर ने उनको इरशाद किया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। हजरत मौला कायनात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जंगों में शिरकत का एज़ाज़ बख्शा। गज़वाए तबूक के मौके पे आका करीम ने उनको मदीनतुल मुनव्वरा में पीछे बतौर अमीर छोड़ा तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर आप अपने भाई को बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तेरी मिसाल ऐसे है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल। हजरत मौला कायनात को हुजूर ने यमन का हाकिम और अमीर बनाकर भी भेजा था और उनके साथ रिश्ते की गहराई यहाँ तक ही ना रही, बल्कि हुजूर ने अपनी लाडली साहबजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हजरत अलीउल मुर्तज़ा से ही किया। हिजरत की रात अपने बिस्तर पे उन्हें लटाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बहुत सारे एजाजात कायम किए और उनके फजल व शरफ में बहुत सारी अहादीस हैं जो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। हजरत ज़िर बिन हुबैश रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से सुना, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम ने मेरे बारे में इरशाद किया कि अल्लाह युहिब्बानी इल्ला मोमिनुन वला युबगिदानी इल्ला मुनाफिकुन, कि अली तेरे साथ मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत नहीं करता और मुनाफिक के अलावा तेरे साथ कोई बुग़्ज़ नहीं रखता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि अगर मैं किसी मोमिन की नाक पर तलवार भी मारूँ तो वो मेरे साथ बुग़्ज़ नहीं रख सकता, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया। और अगर मैं किसी मुनाफिक के सामने दुनिया के सारे खजाने ढेर कर दूं वो मेरे से फिर भी मोहब्बत नहीं कर सकता। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह उसके रसूल के महबूब थे। गज़वा खैबर के मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत सहल बिन साद से रिवायत मरवी है, लऊतियन हाज़िहि राया गदन रजुलन यफ्ताहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। फरमाया कि ये कल मैं उस शख्स के हाथ में परचम दूंगा कि जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे प्यार करते हैं और अल्लाह उसके हाथों से फतह अता करेगा। कहते हैं अगले दिन हर शख्स के सीने में दिल मचल रहा था कि हुजूर हमारा इंतखाब करें और झंडा हमें अता कर दें, लेकिन फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, एना अली युबन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? तो हमने अर्ज़ की कि हुजूर उनकी आंखों में आशोब है। फरमाया उन्हें बुलाओ, बुलाया गया तो हुजूर ने अपना लुआब दहन मौला अली की आंखों में लगा दिया, बीमारी दूर हो गई और फिर हुजूर ने उनके हाथ में झंडा दिया और अल्लाह ने उसी दिन उनके हाथों में फतह अता फरमा दी। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, इसको थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ हजरत बरा बिन आज़ब ने भी रिवायत किया, तिरमजी में यह हदीस है।
और यह किसी एक सहाबी से मरवी नहीं है, इस हदीस की शहादत 30 सहाबा ने दी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह हद तवातर तक पहुंचती है और यह सही तरीन हदीस है। 30 सहाबा ने यह हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनी और उसकी गवाही दी। हजरत जैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला हो फालीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। हजरत इमरान बिन हुसैन रिवायत करते हैं कि हुजूर ने मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा के बारे में इरशाद किया, इन अली मिन्नी वाना मिन हो वहुवा वली कुल मोमिन, अली मुझसे है और मैं अली से हूं और वह हर मोमिन का वली है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने हुजूर से सुना, इरशाद फरमाते थे, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबगिदुहु मोमिनुन, अली से मुनाफिक प्यार नहीं करता और मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखता। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, मन सब अलियन फकद सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। हजरत मौला कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक फरमान सुन लीजिए और मैं अपने मजमून की तरफ आता हूं। हजरत मौला कायनात की जात को हुजूर ने मायार बनाया। मुस्तद इमाम अहमद बिन हम्बल में रिवायत है, मिशकात में रिवायत है, नहजुल बलागा में और बाकी किताबों में कि हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे देख करके कहा कि ऐ अली, तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है कि उनकी वजह से उनके मामले में आके दो लोग बर्बाद हुए। एक वो लोग जिन्होंने इतनी मोहब्बत की कि उनको इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा कह दिया, वो भी बर्बाद हो गए। और दूसरा गरोह वो कि जिन्होंने उनके साथ बोझ रखा और उनकी माँ पे तोहमत लगाई, वो भी बर्बाद हो गए। हुजूर ने यह इरशाद करके फरमाया, हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा, यहलकु फिया रजुलान मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिज़ुनी बिमा लैसा फिया, ए अली तेरे मामले में भी दो लोग बर्बादी में मुबतला होंगे। एक वो लोग जो इतना प्यार करेंगे कि वो कहेंगे जो तू नहीं होगा, और दूसरे व मुबग़िज़ुन यहमिलुहू शनाआनी अला अन यबहतनी, और दूसरे वो जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखेंगे और बर्बादी के रास्ते पे चलेंगे। तो दोनों ग्रोह जो हैं वो बर्बादी की राहों के मुसाफिर हो गए। एक ने मोहब्बत की और इस कदर मोहब्बत की कि वो कहा जो हजरत अली नहीं थे। हजरत मौला कायनात के जमाने में कुछ लोग आपकी दहलीज पे आए और कहा, या अली अंत रब्बुना अंत खालिकुना अंत इलाहुना, ए अली तुम हमारे रब हो, तुम हमारे खालिक हो, तुम हमारे माबूद हो। तो हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया कि अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला जल्ला शानहु ही खालिक है और वही मालिक है और वही माबूद बरहक है। उन्होंने फिर यह बात कही तो जब तीसरी मरतबा कहा तो हजरत अली ने उनकी गर्दनें काट दी। तो ये आज भी लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में, हमारे जिले में लोग हैं जो अलीउल्लाह का नारा लगाते हैं, और ये बदतरीन लोग हैं और मुआशरे की तलछट हैं, और ये मोहब्बत में गुमराह हो गए और इन्होंने हजरत अली मुर्तजा को खुदा और इला कह दिया। दूसरा तबका है जो हजरत अली मुर्तजा को इला और खुदा तो नहीं कहता लेकिन उन्हें नबियों से अफजल मानता है। बल्कि शेख मुहद्दस देहलवी अलैहि रहमा ने तोहफा इस्नाशरिया में बाकायदा उस कौल को बयान करके उसकी तरदीद की है कि जो एक तबके का ख्याल है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबूवत देने में गलती लग गई थी, वो देनी थी हजरत अली को और दे गए हुजूर को, तो आपने उसका रद्द किया है। एक तबका नबियों से हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अफजल मानता, और ये तबका बहुत सारा पाया जाता है। मैंने अपने इन कानों से जो है ये बातें सुनी हुई हैं और आपने भी सुनी हुई होंगी कि नबियों से हजरत मौला कायनात को अफजल मानते हैं, और यह भी गुमराहों का टोला है। तीसरा तबका वो है जो नबियों से अफजल तो नहीं मानता लेकिन मासूम मानता है, ये गुमान करता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी उस शान के मालिक हैं जो मासूमियत की शान अंबिया अलैहिस्सलाम को दी गई। ये 12 इमाम और 14 मासूम का लफ्ज आपने सुना होगा, हमारे जाहल मौलवी भी बोल देते हैं बासकार, मासूम सिर्फ अंबिया की ज़वात है। औलिया अहले बैत महफूज हैं, मासूम नहीं है, मासूम सिर्फ ज़वात अंबिया है, और ये उन्हीं का एजाज है
उनके अलावा यह एजाज किसी और को हासिल नहीं हो सकता। चौथा तबका वो है कि जो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मा से भी अफजल मानता है। खुद मौला कायनात ने फरमाया कि जो लोग मुझे शेखैन से अफजल कहते हैं, मैं उनके ऊपर वो हद जारी करूंगा जो एक झूठे पे जारी होती है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, जो हजरत मौला कायनात के बेटे हैं, कि मैंने अपने बाप अली से पूछा कि इस उम्मत में सबसे अफजल शख्स कौन है। काला अबू बकर। कहा उम्मत में सबसे अफजल शख्स का नाम अबू बकर है। कहते हैं मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन। काला उमर। तो कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये उनका अपना अकीदा है। ये कहा जाता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का हक गसब कर लिया गया। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि अगर हुजूर ने मेरे बारे खिलाफत की वसीयत की होती तो मेरे पास सिर्फ एक तलवार और एक चादर भी होती तो मैं आखिर दम तक लड़ता। शेरे खुदा हो और अल्लाह का रसूल वसीयत करे और वो छुप के बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है। तो ये हफवात हैं और ये अबातील हैं और ये जो हैं वो शर है जो मुआशरे के अंदर फैली है। मुखबर सादिक ने पहले खबर दी कुछ लोग मोहब्बत में गुमराह हों। वह मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और कुछ लोग जो हैं वो बुग़्ज़ में बर्बाद हो जाए। ऐसे लोग भी धरती पे मौजूद हैं कि मौलाए कायनात का नाम लिया जाए तो उनको गवारा नहीं होता। खुद हजरत मौलाए कायनात के जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे। आपको शहीद किया गया है। इस्लाम की तारीख इंतहाई दर्दनाक है। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो को इब्ने मुलजम नामी बदबख्त ने जो है वो तलवार का वार करके जो जहर में बुझी हुई थी शहीद किया है। तो ये बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले लोग थे जो जमाने में मौजूद थे। एक तरफ ऐसे थे जो इला और माबूद कहते थे, और आप जानते हैं कि हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र लोगों की नजर से छुपा के बनाई गई इस डर से कि लोग आपकी कब्र को उखेड़ ना दें, क्योंकि खारजी इस कदर जो है वो जोरावर हो गए। इस्लाम की तारीख दर्दनाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने दुख मुझे दिए गए किसी को नहीं दिए गए, किसी नबी को नहीं पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की 2 साल 2 माह 8 दिन दौरे खिलाफत आपका जमाना देखें, टिकने नहीं दिया गया। साजिशें मसाइब आलान। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पे 40 दिन पानी बंद रखा गया और फिर उन्हें शहीद किया गया। हजरत मौलाए कायनात शहीद किए गए। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन को बच्चों के सामने ज़बह कर दिया गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की वफात जेल में हुई है। इमाम अहमद बिन हंबल के बदन पे इतने कोड़ों के निशान थे कि जब कमीज उठाते थे तो हर जगह कोड़ों के निशान ही नजर आते। इमाम मालिक को मदीने की गलियों में गधे के ऊपर बिठा के काला मुंह करके वक्त के हाकम ने फिराया। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा को ग्वालियर के किले में जो है वो कैद किया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान काले पानियों की सजा दी गई। अहले हक की तारीख देखें, दर्दनाक तारीख है। आज भी काबुल में, कंधार में, किला जंगी में, दश्ते लैला में, तोरा बोरा में, तकरीत में, मुसल में, बगदाद में, कश्मीर में, गजा में, यहां बर्मा में देखो कौन सी क्यामत नहीं तोड़ी जा रही। हमारे साथ माजी देखें तो हमें बगदाद की वो दर्दनाक कहानी सामने आती है जब इंसानी खोपड़ियों का मीनार तामीर किया जा रहा है और मंगोल सरदार ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि जो किसी मुसलमान का सर नहीं लाएगा उसका सर काट के इस मीनार पे लगाएंगे। फिर लोग पैसे लेके फिरते थे कि मुसलमान का पता दे और उसकी खोपड़ी काटी जाए। कुछ लोग जान छुपाने के लिए तय खानों में घुस गए। फिर दजला का बंद तोड़ा गया। 1.25 लाख लाशें हमने तय खानों से निकाली थी। उंदलस की तारीख पढ़े, हमारे साथ जो कयामत तोड़ी गई। मिस्र के अंदर 30,000 फातिमी को शहीद किए गए। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। ये इस्लाम की तारीखी दर्द से, खून से भरी पड़ी है। तो हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो को उस वक्त अगर खुदा कहने वाले बदबख्त थे तो उनको शहीद करने वाले और इस डर से कि उनकी कब्र को खेड़ ना दिया जाए खारजी इतने जोर आवर हैं, तो
तो उनको जो है वो लोगों की नजरों से छुपा करके जो है वो रखा गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़े तारीख, बनू उमैया कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और लोगों ने मिंबरों पर बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए जब उस दौर में दुश्मन अली मौजूद थे, मुबग़िज़ीन मौजूद थे और इफरात मोहब्बत में रखने वाले मौजूद थे। तो ये दौर तो इस्लाम का हुजूर के दौर से 1400 साल पीछे है, तो यहां बुग़्ज़ रखने वाले भी मौजूद है। इस उन्वान के साथ अगर उन्वान छेड़ू तो ये लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुझे अहले बैत के दर का भी गुलाम बनाया है और सहाबा का भी गुलाम बनाया। कुछ लोग सहाबा का नाम लेके अहले बैत को बुरा कहते हैं, कुछ अहले बैत का नाम लेके सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सहाबा नबी के दर वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले। हम कहते हैं, घर वालों तुझे भी हमारा सलाम, दर वालों तुझे भी हमारा सलाम। हम दर वालों को भी सलाम करते हैं, घर वालों को भी सलाम करते हैं। किसी ने हुजूर खतीबुल इस्लाम से पूछा था कि हजरत आयशा अफजल हैं या हजरत फातिमा अफजल हैं। पूछने वाले ने तो साहबजा साद को फंसाना चाहा था, लेकिन जिनके अकीदे साफ हों वो फंसते नहीं हैं, उनके अकीदे वाजे होते हैं। तो हजरत साहबजादा ने फरमाया कि मियाँ अगर देखो बेटी होने की हैसियत से, तो फातिमा बेटी है नबी की और आयशा बेटी है अबू बकर की। अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। और अगर देखो बीवी होने की हैसियत से, फातिमा बीवी है अली की और आयशा बीवी है नबी की। अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। तो ये अपने अकीदे को वाजे कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हक की राहों का मुसाफिर रखे। आज का उन्वान है हजरत मौला कायनात के अकवाले हिकमत, उनकी जिंदगी का निचोड़। अल्लाह ने बसीरत का जो नूर और जो है वो दानिश और फहमो इदराक के जो उजाले मौला कायनात को दिए थे वो उन्हीं का मकसूम है। एक एक बात से नूर निकलता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसको हिकमत अता कर दी गई उसको खैर कसीर अता कर दिया गया। हिकमत वो उस बात को कहते हैं कि जिसको लोग नकल करें और जिससे फायदा हासिल हो। हजरत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हजरत मौला कायनात के बहुत सारे फरामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है। और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है, एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नजर करना चाह रहा हूँ। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं, अली दरवाजा है, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं, दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता है। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मनसूबा बंदी करता हूं नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता वो है जो रब को मंजूर होता। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। हजरत मौला कायनात जिंदगी गुजारने का ढब उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं, खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहें, तुम्हारी मजलस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो जमाना तड़पे, तुम्हारी मौत पे लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सआदत मंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं, इज़ा क़दरता अला अदुव्वे का फ़ाजलिल अफ़्व अन्हो शुक्रन लिल कुदरत अलैह।
जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन जेरे दाम आ गया और वो तेरे काबू में आ गया और उसका सर तेरे पांव तले है। अब अल्लाह का शुक्र इस हाल में कि मालिक तूने दुश्मन पर मुझे गलबा दिया, ताकत दी, तो शुक्र क्या है? तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया यह है कि दुश्मन को माफ कर दो। ये बड़े लोगों का शेवा होता है, जब दुश्मन काबू आ जाए तो फिर उससे दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की उस करम नवाजी का शुक्रिया अदा करना है। जोहद क्या है? हजरत मौला कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक चार लफ्जी फरमान सुनिए और जोहद की तारीफ कितनी खूबसूरती के साथ की। फरमाने लगे, अफजल जोहद इख्फा जोहद, बेहतरीन जोहद यह है कि जोहद को पोशीदा रखा जाए। बेहतरीन जोहद यह है कि जोहद को पोशीदा रखा जाए। हम तो अपनी इबादतों, अपनी नेकियों, अपनी समाजी खिदमात के इश्तिहार छपवाते हैं ना। वो किसी जमाने में हम सुनते थे, नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं नेकी कर अखबार में डाल। यहां जोहद तरक दुनिया, अल्लाह ताला की इबादत का जो जोक बंदे को नसीब होता है वो बेहतरीन और अफजल जोहद क्या है? कहा जोहद को पोशीदा रखना, ये अफजल जोहद है। हजरत मौला कायनात का एक और फरमान सुनिए, अशरफुल गिना तरकुल मुना, बेहतरीन दौलतमंदी क्या है? जिसके पास मुरब्बे ज्यादा हैं, जिसके प्लाजे ज्यादा हैं, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसके पास जो है वो बहुत सारी दौलतें हैं, सोना और चांदी के अंबार हैं, कौन सबसे ज्यादा दौलतमंद है? अफजल दौलतमंदी क्या है? तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि अफजल दौलतमंदी ये है कि आरजुएं तरक कर दी जाए, वरना खरबपति भी बंदा होगा तो उसको चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, हल में मजीद उसकी तबाह में हो। चूंकि आंखें नहीं रजती, पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती। कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। इसलिए हजरत मौला कायनात फरमाते हैं बेहतरीन गिना और दौलतमंदी क्या है कि बंदे की आरजुएं खत्म हो जाए। इकबाल कहता है, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरजू पूरी, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। तो ये बेहतरीन गिना है कि बंदे की आरजुएं मुख्तसर हो जाए, वरना इंसान जिस हालत में भी हो वहां मुतमईन नहीं होता। करोड़पति अरबपति को देखता है, अरबपति खरबपति को देखता है, खरबपति अपने से आगे देखता है। इसलिए जब आरजुएं मुख्तसर होंगी तो बंदा जिस हालत में भी होगा राजी होगा, और बंदा अपनी हालत पर राजी हो जाए तो ये अल्लाह की रजा का सबब है। हजरत मौला कायनात का ही एक कौल है, जो अल्लाह के अता करदा थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाए। ये अल्लाह की कर्म नवाजियों के रंग है। हजरत मौला कायनात की एक और हिकमत आमेज बात सुने, फरमा रहे हैं, सय्यातुन तसुओ का खैरुन इंदल्लाह मिन हसनतिन तोजिबो का, वो बुराई जो तुझको परेशान कर दे, दुखी कर दे, अजियत में मुबतला कर दे, वो गुनाह जो तेरे जमीर पे बोझ बन जाए, तू अपने आप को हकीर समझने लग जाए, छोटा समझने लग जाए, गुनाहगार समझने लग जाए, जिस बुराई से तुझे दुख पहुंचे वो उस नेकी से बहुत अच्छा है, वो तेरा बुराई करना जो तुझे तकब्बुर में मुबतला कर दे। जिस नेकी से तू मुतकब्बिर हो जाए, इंसान को इंसान ना समझे, मखलूक को कीड़े मकोड़े समझे, अपने सजदों पे नाज करे, उन सजदों से वो बुराई बेहतर है जो तेरे अंदर इज्जत पैदा कर दे, तेरे अंदर नरमी पैदा कर दे, तेरे अंदर जो है वो एक रिक्कत पैदा कर दे, वो बुराई जो है वो उस नेकी से बेहतर है। हजरत मौला कायनात का एक और फरमान देखिए, ला गिना कल अकले वला फकरा कल जहले वला मीरासा कल अदबे वला जहीरा कल मुशावरा, कितनी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। फरमाया, अकल जैसी दौलत कोई नहीं, अकल जैसी दौलत कोई नहीं है, और जहालत जैसी गुर्बत कोई नहीं। जो शख्स जाहिल है वो करोड़ों में भी खेलता है तो वो गरीब है, अल्लाह ने अकल का चराग दिया है तो
तो उसके पास दौलत नहीं भी है तो अकल बहुत बड़ी दौलत है। तीसरी बात, वला मीरास अकल अदब, और अदब जैसी विरासत कोई नहीं। एक बंदे को अदब की दौलत मिल गई तो उसको सब कुछ मिल गया। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में हमसे अदब छीना जा रहा है, बड़ी बारीक साजिशें हो रही हैं, आंखों से हया निकाला जा रहा है, बूढ़ों का, बुजुर्गों का। ये माह रमजान का कितना हया हुआ करता था, अगर कोई बदकिस्मती से रोजा नहीं रखता था तो वो सामने कभी खाता ही नहीं था, उसे रमजान का हया मारता था। लेकिन आज लोग खुले बंदों नहीं खा रहे, हया ही उड़ गया आंखों से। इस तरह अहले बैत का हया आंखों से निकल गया, असहाबे रसूल का हया आंखों से निकल गया, नबी का हया लोगों की आंखों में नहीं रहा। बेअदबी को फरोग है और नबी के बारे में ऐसी डटाई से बात करते हैं जिस तरह आम आदमी हो गए। ये बेहयाई का और बेअदबी का दौर है, जबकि अदब एक बेहतरीन विरासत है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन क्या है, एक तो है कि 3 घंटे का वाज किया जाए कि दीन ये है, और एक है कि 2 लफ्जों के अंदर बताया जाए दीन क्या है। तो अगर 2 लफ्जों में बताना चाहूं तो इकबाल का लहजा उधार लेना पड़ेगा। इकबाल कहता है, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाजश अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है, अदब से शुरू होता है, इश्क पे खत्म हो जाता है। जिस दीन में अदब नहीं है वो दीन नहीं, चाहे सहाबा का अदब नहीं, चाहे अहले बैत का अदब नहीं, चाहे अंबिया की ज़वात का अदब नहीं, चाहे वालदैन का अदब नहीं, दीन नाम ही अदब का है। तो ये दौलत इस वक्त छीनी जा रही है और बड़ी तेजी के साथ कौम के अंदर बेअदबी को फरोग दिया जा रहा है। नई नस्ल की हिफाजत करें, अपनी औलाद को महफूज कर लें, उनके अकीदों की सेहत का इंतजाम करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जुबान लंबी हो जाए और वलियों पर, नबियों पर और हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब पर और हुजूर की आल पर वो जबाने तान खोलें, और जिसको जो है वो अस्तंजे का भी पता नहीं है वो अंबिया के इलम पे गुफ्तगु कर रहा है। शर्म नहीं आती, किसका इलम तोल रहे हो, किसकी जात को नाप रहे हो। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तुमने पता नहीं किसको देखा है जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता, गला फाड़ फाड़ के कहा जाता है नबी सकी बेटी को नहीं बख्शवा सकता। ओ मियां तुम बख्शवाने की बात करते हो, नबी तो कह रहा है फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार। वो तो जन्नतें बांट रहे हैं, वो तो जन्नतें विरासत में दे रहे हैं। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इसलिए कहा कि अदब जैसी मीरास कोई नहीं। वला जहीरा कल मुशावरा, और मशवरे जैसा मददगार कोई नहीं। आपके पास बड़े असले हैं, बड़ी तलवारें हैं, बड़े ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, लेकिन अच्छा मशवरा ये सबसे अच्छा मददगार है आपका। हजरत मौला कायनात का एक और कौल सुनिए, नफसुल मरए खुताहु इला अजलिही। आप फरमाते हैं कि आदमी की ये जो सांसें निकल रही हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है। दूसरी सांस तब आती है जब पहली खत्म हो जाती है, तो पहली सांस की मौत दूसरी सांस की जिंदगी है। वो क्या किसी ने कहा, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने। ये एक बार हम एक सांस को काटते हैं तो दूसरी सांस आती है, जब तक पहली सांस मौजूद है दूसरी नहीं आएगी। तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है। आप रुके हो इशारे पे, तो हमारे ये पिंडी बाईपास पे जो इशारे लगे हैं ये 125 से भी चलते, 125 से पीछे आ रहे हैं, 20 से 25 से 50 से 100 से 125 से पीछे आ रहे हैं। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं जो चीज शुमार की जाती हो वो बिलाकर खत्म हो जाती है। तो गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है, और जीरो पे पहुंचना ही मौत है। तो जिंदगी की ये सांसें ये उल्टी चल रही, और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम जो है वो अपनी जिंदगी की सालगिरह मना रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, मियाँ बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए, मौत बिल्कुल करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात मईशत के उसूल भी बयान कर रहे हैं, मा आला मिनत मनिक तासदा, जो म्याना रवि से चलता है कभी भी कंगाल नहीं होता।
अब हर शख्स की आरजू है कि मेरी दौलत बढ़ जाए, मेरे पास पैसे काफी हों, मैं आसूदा जिंदगी गुजारूं। उसका तरीका क्या है? झूठी कस्में, चालाकी, दो नंबर माल बेचना, टैक्स चोरी करना, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना, क्या तरीका है पैसे बचाने का? मौला कायनात से पूछे, मौला अली से पूछे। मौला अली फरमाते हैं, इस तंजिलु रिज़्क़ा बिस्सदका, सदका देते जाओ रिज़्क़ बढ़ता चला जाए, जो कमाते जाओ उसमें कुछ हिस्सा रख लो अल्लाह की राह, सदका देते जाओगे तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, हज़रत मौला कायनात का एक और कौल देखिए और उसका हुस्न देखिए। मन जन्ना बिका खैरन फसद्दिक जन्ना, जो तेरे बारे में अच्छा गुमान करे तू उसके गुमान को सच्चाई कर दे। तू वो नहीं है जो कोई तेरे बारे में गुमान कर रहा है, लोग तुझे अच्छा समझते हैं, तू अच्छा नहीं है, तो तू अच्छा बन जा ताकि लोगों का गुमान ठीक हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, आपके बारे में लोगों का गुमान था कि हाफिज़े कुरान है, आप हाफिज नहीं थे, तो आपके बारे में यह गुमान पैदा हो गया कि यह हाफिज है। तो रमजान का मौसम आया तो किसी ने कहा हजरत इस मरतबा आप ही सुना दें, तो आला हजरत ने सोचा ये मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं, चलो हाफिज बन ही जाते हैं। आला हजरत ने कुरान एक महीने में हिफ्ज किया, दिन को पढ़ते थे शाम को सुना देते थे कि जो लोगों का गुमान है मैं उसके मुताबिक ही हो जाऊं। अच्छा, गुमान की कहानी सुनिए, सही हदीस में आता है और हदीस कुदसी है, रब कहता है मेरा बंदा मेरे बारे जो गुमान करता है मैं ऐसे ही मिलूंगा। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए कि हमारा रब हमें माफ कर देगा और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समात कीजिए, मन अज़्ज़मा सिगार अल मसाइब इब्तलाहुल्लाहु बिकबारिहा, छोटी सी मुसीबत आ जाए जो बंदा बाबेला शुरू कर दे, मुसीबत आ गई, छोटी सी बीमारी आए तो शोर करे, छोटी सी मुसीबत आए तो शोर करे, अल्लाह उसको फिर बड़ी मुसीबत में मुबतला कर देता। जहां जरूरत नहीं है वहां इसहार की क्या, बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, बंदे बंदे को बताने का क्या फायदा। हमारे एक दोस्त हैं कि वो कहते हैं कि पहले अगर किसी से पूछते थे ना कि क्या हाल है तो वो कहता था शुगर है, और आज किसी से पूछे तो वो कहता है शुगर है। यानी अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अगर तुम्हें किसी इब्तला में मुबतला कर दिया है तो उसका शोर, उसका वावेला ना करो। जो छोटी मुसीबत पर वावेला करेगा अल्लाह फिर उसको बड़ी मुसीबत में मुबतला कर दे। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समाप्त कीजिए, आप फरमाते हैं जिंदगी गुजारने का गुर और तरीका, फरमाते हैं इज्मुल खालिक इंदका युसग़िरुल मखलूक फी ऐनिका, अगर तेरी नजर में खालक बड़ा होगा तो फिर मखलूक छोटी हो जाए। अगर अल्लाह की अजमत का तुझे लिहाज है कि वो बहुत अजीम है तो फिर मखलूक की परवाह नहीं होगी। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बांदी के हाथ के अंदर खंजीर की अंतड़ियां हों मैं दुनिया को इतनी नजर से भी नहीं देखता। तो ये इंसान अल्लाह की अजमतों का और अल्लाह की शानों का जब लिहाज उसे होता है तो फिर दुनिया उसकी नजर में जो है वो कोई कदर और कीमत नहीं रखती। एक रिवायत में आता है जिसको अल्लाह ने कुरान दिया और उसने दुनियादारों को देखा रश्क की नजर से कि इनको दौलत दी गई, इनको फलां दिया गया, मैं तो बहुत पीछे रह गया। कद हक्का मा आताहुल्लाह, उसने अल्लाह की अता को हकीर जाना। मियां उन्हें दौलत दी गई है, रब ने तुझे अपना कुरान अता किया, तो फिर जो है वो तो हकीर तो नहीं है, तुझे तो आला चीज अता कर दी गई है। तो जिसने अल्लाह की अजमत और खालक की अजमत का इकरार किया फिर मखलूक उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती है। कुन फिल फितनत कैबनिल लबून ला जहरुन फयुरकबा वला दरउन फयुहलबा, जब फितने दुनिया पे फैल जाएं तो मौला कायनात नसीहत करते हैं पर जिंदगी कैसे गुजारनी, ये दौर भी फितनों का दौर है। हजरत मौला कायनात फरमाते जब फितने मुआशरे में फैल जाएं तो फिर ऊंट के दो साल बच्चे की तरह हो जा कि अगर लोग उस पर सवारी करना चाहें तो वो सवारी के काबिल ना हो, और लोग अगर उसका दूध दोना चाहें तो वो दूध ना दे, यानी वो फितने को किसी तरह से भी तकवीयत ना दे, इस तरह का हो जा जिस तरह
اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، من حاسب نفسہ ربہا ومن غفل عنہا خسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصرا ومن ابصر فہما ومن فہم عالما۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا، جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا، ومن فہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ مختلف سیگے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں، العلم علمان مطبوع و مسموع، علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہو۔ فرماتے ہیں، ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع، جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے، فرمایا، تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو، ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔ اصل خرابی ہوئی تب ہے، ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے گوجرانوالہ کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا، اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو۔ یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی، جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے، جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا۔ تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلی اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، اور خطا کار اور بھی شوخ ہو جائے گا، بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خان کہ چلو دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں، جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے اور ایسے ایسے پھینک رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حرام سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گر سکھائے، فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو، ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے، لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں، جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا۔
حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے، دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہے۔ فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے، اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا، از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے، اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا، اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا، اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق ہی بولتا ہے۔ دوواں گلاں وچوں دس درویشہ، میرے حضور کی بلالم فرماتے ہیں، دوواں گلاں وچوں دس درویشہ، تینوں کیڑی گل کو بھولی، عالم اوپر ممبر بولے، عاشق اوپر سولی۔ جب تک تھوڑی طمع بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ دین کی سلامتی طمع کو ختم کرنا ہے۔